Hello everyone, today we are going to discuss about coordination in plants. Coordination in animals and humans हम already discuss कर चुके हैं. So आज हम बात करेंगे plants के लिए. अब plants में coordination की definition क्या है? In plants, the coordination is the ability to use different part of the plants together smoothly and efficiently. अब अगर हम ह्यूमंस के बारे में बात करें जो हमने डिस्कस किया है, अब ह्यूमन में तो कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम करता है, बट प्लांट में तो कोई नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है. तो यहाँ पर कैसे कोऑर्डिनेट करते होंगे प्लांट्स के ऑर्गन एक दूसरे से? तो इन प्लांट्स द कोऑर्डिनेशन इज़ ड्यू टू द केमिकल सिस्टम. मीन्स जितने भी केमिकल रिलीज होते हैं या प्लांट्स के अंदर फॉर्म होते हैं, उनकी हेल्प से कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट्स में. अब इसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं. इसमें हम बहुत सारे मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे जो इसमें हेल्प करता है. तो फर्स्ट हम बात करते हैं मूवमेंट्स की, कि प्लांट्स में किस तरीके से मूवमेंट होता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ग्रोथ इंडिपेंडेंट, ग्रोथ डिपेंडेंट. ओके, टू टाइप्स के मूवमेंट होते हैं. एक होता है आपका ग्रोथ इंडिपेंडेंट और एक होता है आपका ग्रोथ डिपेंडेंट. जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है उसको हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट, और जो ग्रोथ डिपेंडेंट होता है उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट. मींस इंडिपेंडेंट ऑफ स्टिमुलस. और ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स को बोलते हैं मूवमेंट विच वॉज मीन्स टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम दी स्टिमुलस. चलिए अब आपका जो ट्रॉपिक मूवमेंट है उसको फर्दर फाइव क्लासेस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है आपका फोटोट्रॉपिज्म, फिर जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म. अब एक एक करके हम सारे ट्रॉपिज्म देखते हैं. अगर मैं फर्स्ट ट्रॉपिज्म की बात करूँ फोटोट्रॉपिज्म की, तो फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट. तो बेसिकली इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट. जैसे हमारा शूट सिस्टम होता है, वो क्या करता है, जहाँ पर भी लाइट होती है उसके टूवर्ड्स वो बेंड हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर सपोज़ करो, देखो सपोज़ क्या एग्ज़ाम्पल दे रखा है आपकी बुक में, ठीक है. यहाँ पर जो लाइट है वो कहाँ से आ रही है? साइड में से आ रही है, मतलब प्लांट के साइड की तरफ से आ रही है. सन की जो लाइट है वो क्या है? बेंड है. तो यहाँ पर आपका जो स्टेम्स हैं, जो शूट सिस्टम है, वो लाइट की तरफ बेंड हो गया है. अगर कोई प्लांट स्ट्रेट है, ठीक है, ये प्लांट है, अगर ये स्ट्रेट है और सन यहाँ पर है, तो जो इस ये जो लाइट है ये मतलब स्ट्रेट आ रही है प्लांट के ऊपर, तो इसका जो स्टेम होगा, जो शूट सिस्टम होगा, वो भी स्ट्रेट होगा. लेकिन साइड में से यह बेंड होकर लाइट आएगी, तो जो प्लांट्स का जो डायरेक्शन है वो भी सन की टूवर्ड्स बेंड हो जाएगा, रूट है वो अवे फ्रॉम दी लाइट हो गया है. अब इसमें नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म भी होता है. अगर मैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म की बात करूँ, पॉजिटिव के अंदर जो भी स्टेम है वो टूवर्ड्स दी लाइट होगा, तो दैट इज़ पॉजिटिव. और जैसे रूट है, अगर वो अवे फ्रॉम दी लाइट होगी, दैट इज़ नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. अब नेक्स्ट हमारा मूवमेंट है जियोट्रॉपिज्म. जियो का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी. सो बेसिकली इट इज़ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टूवर्ड दी सॉइल. जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, रूट सिस्टम आपका एग्जाम्पल है, क्योंकि जो रूट होता है इट ऑलवेज टूवर्ड्स दी सॉइल, या आप बोल सकते हो ऑलवेज मूव टूवर्ड्स दी डायरेक्शन ऑफ अर्थ ग्रेविटी. जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो ना, नीचे की साइड हमेशा रूट्स बेंड करती है, ग्रो करती हैं, और जो हमारा शूट सिस्टम होता है वो हमेशा अपवर्ड्स होता है. तो यहाँ पर भी सेम केस है पॉजिटिव और नेगेटिव का. पॉजिटिव ट्रॉपिज्म की बात करूँ तो उसका एग्जांपल रूट है, और नेगेटिव की बात करूँ तो वो शूट सिस्टम है. सो दिस इज़ कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म. नाउ नेक्स्ट इज़ हाइड्रोट्रॉपिज्म. आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म का एग्जांपल नहीं दे रखा है बुक में, लेकिन इमेजिन करके हम पढ़ेंगे. हाइड्रो का मतलब क्या होता है? पानी, वाटर. सो बेसिकली इट इज़ द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर. अब यहाँ पर आपका जो स्टिमुलस है वो इटसेल्फ वाटर ही है, मतलब जहाँ पर भी वाटर में आपको ग्रोथ दिखाई देगी वो आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म है.
क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीमोट्रोपिज्म की। कीमो का मतलब क्या होता है? केमिकल, जो केमिकल के थ्रू होता हो। फॉर एग्जांपल कोई भी प्लांट्स की अगर मूवमेंट है तो वो टुवर्ड्स दी केमिकल है, जहाँ से केमिकल सिक्रीट हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, वहाँ पर प्लांट के कौन से पार्ट की ग्रोथ हो रही है उसको बोलते हैं थ्रू दी केमिकल। सो कीमोट्रोपिज्म ये होता है आपका बेसिकली। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो मतलब होता है टच, मूवमेंट्स ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट किसी का सपोर्ट ले, जैसे कि आपने मनी प्लांट देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें जो भी होगा तो वो अपने टेंड्रिल्स को उसी के आसपास के एरिया में ग्रो कर लेगा, फैला लेगा। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म। तो ये थे आपके ट्रॉपिक मूवमेंट्स के टाइप्स। अब हम बात करते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं। अब नेस्टिक मूवमेंट का एग्जांपल है छुई मुई, देखा होगा आपने, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। तो वो क्या करता है, अगर आप उसकी लीव्स को टच करोगे तो वो तुरंत बंद हो जाता है। सो दीज काइंड ऑफ चेंजेस अकर ड्यू टू द चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द लीव्स। डिपेंड करता है उसकी क्वांटिटी पे, वाटर की क्वांटिटी कम है या ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंगली जो ये प्लांट है या तो ये श्रिंक करता है या तो ये स्वेल करता है। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ नास्टिक मूवमेंट। अब बात आती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है प्लांट्स में, मींस किसके थ्रू होता है। वो होते हैं प्लांट्स हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। तो फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। बहुत तरीके के हार्मोन्स होते हैं हमारे प्लांट्स में जो प्लांट्स की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं दे आर बेसिकली केमिकल कंपाउंड रिलीज्ड बाय स्टिमुलेटेड सेल्स। स्टिमुलेटेड सेल्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जो एक्टिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में उसके थ्रू ये केमिकल्स को रिलीज करते हैं। और ये जो हार्मोन्स होते हैं दे आर डिफ्यूज्ड अराउंड द प्लांट्स। डिफ्यूज्ड का मतलब ये होता है कि स्प्रेड होता है ये वाइडली ऑल दी डायरेक्शंस। तो ये कैसे वर्क करते हैं ये हम देखते हैं, उनके कितने टाइप्स हैं फाइटो हार्मोन के। आपके पास में चार टाइप के हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, चाहे तो आप नोट कर लीजिए, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड। अब जो ऑक्सिन होता है वो क्या करता है, ये एक्चुअली में प्रमोट करता है प्लांट की ग्रोथ को। फॉर एग्जांपल शूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो शूट सिस्टम है, जितने टेंड्रिल होते हैं अगर उनको सपोर्ट मिले तो जो टेंड्रिल्स हैं उनकी जो टिप है उस पर ऑक्सिन को रिलीज़ करते हैं, सिक्रीट करते हैं, ऑक्सिन होता है वहाँ से। जब ये सिक्रीट होता है तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है, जो प्लांट टेंड्रिल्स की जो ग्रोथ होती है तो वो फास्ट हो जाती है, उसका रेट फास्टर हो जाता है, उसमें जो सेल्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, उनका रेट भी फास्टर हो जाता है। अंडरस्टैंड, ऑक्सिन आपकी प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है। सेकेंड है आपका गिबेरेलिन, जिसको हम जिब्रेलिन भी बोलते हैं। These hormones are responsible cell growth in stem, in seed germination and flowering. में केमिकल आपके इन्वॉल्व होते हैं वो सब गिबेरेलिन्स होते हैं। थर्ड है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन मेनली सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड इट ऑल्सो प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड डिले एजिंग इन लीव्स। मतलब लीव्स को यंग रखने के लिए साइटोकाइनिन केमिकल प्रमोट करता है। अब नेक्स्ट है आपका एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है, मतलब एक पॉइंट पर आकर प्लांट्स की ग्रोथ जो रहती है वो स्टॉप हो जाती है, तो वो ड्यू टू एब्सिसिक एसिड होता है। जैसे जैसे प्लांट्स पर फ्रूट्स आते हैं तो वो फ्रूट्स क्या होते हैं, अपने आप गिर जाते हैं। तो जो ये डी अटैचमेंट होता है ना प्लांट से फ्रूट का, तो वो बेसिकली ड्यू टू एब्सिसिक एसिड होता है। तो इस तरीके से प्लांट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं आपस में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग।